मैंने ये आज तीन चार बातें सिद्ध की। नंबर वन, चिदंबरम को पता था कि कैबिनेट डिसीजन 2003 का कि उनको और राजा के साथ मिल करके स्पेक्ट्रम का दाम को तय करना है। दूसरा है कि उनको पता था राजा घोषणा करने के पहले ही कि वो 1650 करोड़ रुपए का एंट्री फी चार्ज करने वाला है राजा, और अधिकारियों ने उनसे कहा हस्तक्षेप करिए नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारी देश की रेवेन्यू में। लेकिन हमने दस्तावेज दिखाए कि प्रधानमंत्री को जनवरी 15, 2008 को लिखते हैं चिदंबरम प्रधानमंत्री को कि इसको क्लोज चैप्टर बनानी चाहिए, आगे बहस नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये जो दिया गया लेटर ऑफ इंटेंट, उसके साथ स्पेक्ट्रम देना है, उसका दाम क्या होना चाहिए, उसके लिए चिदंबरम और राजा की मीटिंग हुई थी 30 जनवरी 2008 को। उसका मिनट्स मैंने पेश किया है, हालांकि उसका नाम मिनट्स नहीं दिया है, नोट्स लिखा है, बट मिनट्स मैंने पेश की कि क्या राजा ने कहा, क्या चिदंबरम ने कहा, और चिदंबरम ने कहा है उसमें कि स्पेक्ट्रम जो दिया जाएगा लाइसेंस के साथ वो मुफ्त में दिया जाएगा, और सिर्फ 4.4 मेगाहर्ट्ज नहीं, 6.2, वो भी हवाई। तो ये तो राजा से भी आगे बढ़ गए थे। फिर तीसरा, उन्होंने राजा को सिखाया, मैंने दस्तावेज पेश की सीबीआई फाइल से निकालकर, उसमें उन्होंने ये लिखा है, राजा ने लिखा है अपने ऑफिसर्स को कि चिदंबरम ने मुझे समझाया कि स्वान टेलीकॉम और यूनिटेक को लिए लाइसेंस तो नहीं बेच सकते बट कंपनी को बेच सकते हैं, उसके साथ लाइसेंस चली जाए तो तुम्हारा क्या कसूर है। तो ये बेईमानी उसने राजा को सिखाई। ये बड़ा उस्ताद था, वो राजा छोटा उस्ताद था। तो ये मैंने सिद्ध की डॉक्यूमेंट्स के साथ।